वेलकम बैक। कोरल ड्रॉ X6 ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स के साथ मैं हूं इंस्ट्रक्टर उस्मान शहबाज़। हम कोरल ड्रॉ में टूल्स का यूज़ सीख रहे हैं और आज हम शेप टूल के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। कोरल ड्रॉ में शेप टूल टूल बॉक्स में सेकंड नंबर पर मौजूद है, जिसकी शॉर्टकट की F10 है, और अपने कीबोर्ड से आप F10 प्रेस करके भी इस टूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये टूल दरअसल किसी भी शेप के अंदर मुख्तलिफ शेप्स वगैरह चेंज करने के लिए यूज़ होता है, कुछ चेंजिंग पैदा करने के लिए। कोई आप शेप ड्रॉ करते हैं तो आप शेप टूल से उसको मुख्तलिफ शेपों में तब्दील कर सकते हैं। उसके अलावा आप उस शेप को कर्व में तब्दील करके उसको किसी भी एंगल पर घुमा सकते हैं, उसकी किसी भी किस्म की शेप बना सकते हैं। तो हमारे अक्सर लोगो वगैरह की वर्किंग में और आगे प्रोजेक्ट्स वगैरह में ये शेप टूल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल रहेगा, तो इसको सीखना समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको बड़े ध्यान से देखें, ध्यान से समझें और अपनी वीडियो देखते हुए स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर लें। यहाँ पे हमने रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। और अब आप यहाँ देखें कि ये जो हैंडल्स नज़र आ रहे हैं, इनके बारे में हम पहले देख चुके हैं। इनके नीचे एक छोटा सा बॉक्स आ रहे हैं चारों कोनों पर, जब आप उसके ऊपर माउस लेके जाते हैं तो नोड लिखा हुआ भी आता है, ठीक है। अब अगर अब हम शेप टूल को सिलेक्ट करेंगे तो वही नोड रह जाएंगे, बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब आप इस नोड के ज़रिए इसको कोई भी शेप में तब्दील कर सकते हैं। देखिए, मैंने इस पर क्लिक किया है, क्लिक को दबाए दबाए नीचे मैंने खींचा है, तो देखें इसके अंदर कैसी शेप आ गई। ये रेक्टेंगल से जो है वो सर्कल में तब्दील हो गया। मैं इसको सिलेक्ट करके और नीचे खींच रहा हूँ, अब ये राउंडेड है रेक्टेंगल, बिल्कुल नीचे खींच लें बिल्कुल अपनी असली असली हालत में आ जाएगा। तो आप इसकी जिस तरह चाहें एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर चाहते हैं कि जैसा कि ये वाला जो कॉर्नर है वो राउंडेड है, जैसे सारे कॉर्नर इसके राउंडेड हैं, तो हम चाहते हैं कि जो राउंड बाहर को आया हुआ है ये बाहर की बजाय उल्टा अंदर को, अंदर वाली साइड पे हो जाए, तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दी हुई है, जैसे ही क्लिक करेंगे ये राउंड अंदर वाली साइड पर आ जाएगा। अब ऐसे ही इन नोड से पकड़ के हम इसको नीचे खींच रहे हैं, तो देखें नई नई शेप्स बन रही हैं, इसमें तब्दीली आ रही है। इसी तरह आप इसके अंदर और बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह इसका आपका साथ साथ कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे थर्ड उन्होंने ऑप्शन दी हुई है, ये बिल्कुल सीधा इफेक्ट आने लग गया सामने, तो ये आप इसके अंदर कुछ शेप टूल से चेंजिंग्स कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट टू कर्व करते हैं, कंट्रोल प्लस क्यू शॉर्टकट की है, ये कन्वर्ट टू कर्व की ऑप्शन है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे नोड्स स्काई ब्लू कलर के हो जाएंगे। अब आप इन नोड्स को इन कर्व की हालत में आने के बाद आप इसको शेप टूल की मदद से मुकम्मल तौर पर हैंडल कर सकते हैं, और आप इसको किसी भी एंगल पर ड्रैग कर सकते हैं, काफ़ी शेप्स बना सकते हैं, और इन नोड्स पर वर्किंग वगैरह ये सब कुछ कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आगे भी इसके बारे में तफसील से देखेंगे। मैं इस पे यहाँ पे क्लिक करके इसको खींचता हूँ, देखें किस एंगल पे खींच लें, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल फ्री हैंड टूल बन चुका है। आप इसको फ्री है बिल्कुल, कहीं भी आप इसको ले जा सकते हैं। इसी तरह ये नोड है, आप इस नोड को खींच लेते हैं जिस एंगल पे, जिस जगह पर खींच लें आपकी मर्ज़ी। अगर आप किसी नोड को डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसको सेलेक्ट करें, ऊपर यहाँ डिलीट लिखा है उस पर क्लिक कर दें, वो नोड डिलीट हो जाएगा। शॉर्ट तरीका ये है कि आप नोड पर डबल क्लिक कर दें, नोड डिलीट हो जाएगा। अगर आप नोड को कोई इंसर्ट करना चाहते हैं, कोई नोड बनाना चाहते हैं, तो जहाँ पर बनाना चाहते हैं वहाँ पर अपने माउस के पॉइंटर को ला के डबल क्लिक कर दें, वहाँ नोड बन जाएगा और आप उसको किसी भी एंगल पर ले जा सकते हैं। आप चाहते हैं कि इकट्ठे ये तीन, पहला दूसरा और तीसरा, ये तीनों नोड्स मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो ऐसे क्लिक को दबाए दबाए रेंज में उन नोड्स को ले लें जो आप डिलीट करना चाहते हैं। देखें सेलेक्ट हो चुके हैं, और यहाँ पर डिलीट लिखा है इस पर क्लिक कर दें, नोड टूट जाएंगे। इसी तरह ये नोड्स आपस में जुड़े हुए हैं, देखें ये लाइन यहाँ से जाके इस नोड के ज़रिए आगे जा रही है। आप इस नोड पर आके कहते हैं ब्रेक कर्व, यहाँ पर लिखा है, तो इससे करने से क्या होगा, अब ये नोड टूट चुके हैं। अब आप किसी एक पर डबल क्लिक करते हैं, डिलीट हो गया वो नोड, डिलीट हो गया, आपस में टूट चुके थे और आगे से वो नोड डिलीट हो गया। इस पे डबल क्लिक करते हैं, ये डिलीट हो जाएगा, इस पे करेंगे ये, तो इस तरह आप इस पे वर्किंग कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं, हमने यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ किया हुआ है और शेप टूल लेते हैं। देखें इसके साइडों पर एक ये वाला नोड है, दोनों किनारों पर एक एक नोड है, दरमियान में हम नोड इंसर्ट करना चाहते हैं, डबल क्लिक कर देंगे। अब देखें ये तीन पार्ट बन गए हैं, दरमियान में एक पार्ट बन गया है, तो आप इसके अंदर इस तरह की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसकी डबल डिलीट, फिर डबल क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो आप अगर इसके ऊपर राइट क्लिक करके कहते हैं टू कर्व, तो ये कर्व में तब्दील हो जाएगा। अब इसको आप किसी भी शेप में
तब्दील कर सकते हैं और इसे आप बहुत प्यारे प्यारे इफेक्ट्स भी बना सकते हैं। तो इस तरह हम इस पे वर्किंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारा शेप टूल है, इसके अंदर हम एक ये रेक्टेंगल ले सॉरी ये सर्कल ले लेते हैं। अब देखें सर्कल के तो किनारे कोई है नहीं, इसके अंदर नोड नहीं है, पर एक नोड यहाँ पर होता है। अब आप अगर इस नोड को पकड़ के यहाँ पर लाते हैं तो देखें ये भी अलग अलग शेप्स बनाने लग गया है, उसके अंदर तब्दीली करने लग गया है। तो इंशाल्लाह इसके बारे में हम जब सर्कल्स वगैरह के पढ़ेंगे तो फिर एक दफ़ा इसका जो है ना इसके यूज़ से हमारा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ये टूल हमारा था शेप टूल। नेक्स्ट टूल इंशाल्लाह हमारा स्मग ब्रश टूल होगा। तो इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में मिलते हैं।